हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर शैलेश संचेती, एमडी होम्योपैथ फ्रॉम पुणे। आज हम बात करेंगे प्री मैच्योरिटी डे। 17 नवंबर प्री मैच्योरिटी डे, ये प्रीटर्म बर्थ, प्री मैच्योर बेबीज एंड देयर फैमिलीज, इनके कंसर्न के लिए और इन चीज़ों को अवेयर करने के लिए आज के दिन का विशेष महत्व है। सो इसीलिए इसको प्री मैच्योरिटी डे बोलते हैं। अब प्री मैच्योरिटी का मतलब क्या है? अक्सर हम ये सुनते हैं कि 6 महीने में डिलीवरी हो गई, 7 महीने में डिलीवरी हो गई, लाइक वाइज। तब इसी को बोलते हैं प्रीटर्म डिलीवरीज, मतलब जिन कंडीशन में 9 महीने 9 दिन ये कंप्लीट नहीं होते हैं और उसके पहले अगर डिलीवरी हो जाती है उसको प्रीटर्म डिलीवरी या प्रीटर्म बेबी बोला जाता है। अब इसमें जो कंप्लेंट्स आएगी उस बेबीज़ को, मतलब अगर वो फुल टर्म कंप्लीट करते हैं तो उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। लेकिन अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसके अंदर दो टाइप के डिसऑर्डर या कंप्लेन आ सकते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म, यानी कि जो हॉस्पिटल में जैसे डिलीवरी हो जाती है तो बच्चा वहीं पर रख के वो ठीक हो जाते हैं, और दूसरे आते हैं लॉन्ग टर्म के। अब शॉर्ट टर्म में आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि नहीं, बच्चे को ग्लास के पेटी में रखा था, ब्लू लाइट में रखा था। तो ये होता है कि जिसके अंदर या बर्थ के टाइमिंग पे वो बोलते हैं ऑक्सीजन कम पड़ा था, या बच्चे को बर्थ के बाद जॉन्डिस हो गया था, या फिर उस बच्चे को वो जो तुरंत होने की डिलीवरी होने के बाद वो बच्चा रोया नहीं था, या बच्चे का बर्थ होते ही वेट कम था, हाथ पैर बहुत ही पतले थे। ये जो भी चीज़ें होती है इसको ये शॉर्ट टर्म में आती है। ऐसा नहीं है कि ये कॉम्प्लिकेशन शॉर्ट टर्म में ही रहेगा, ये कभी कभी लॉन्ग टर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अब देखते हैं कि लॉन्ग टर्म ये शॉर्ट टर्म में क्यों होता है, क्योंकि एक तो बच्चे का वजन कम रहेगा तो उसका मसल मास कम रहेगा, मसल मास कम रहेगा तो उसका टेम्परेचर इम्बेलेंस होने के चांसेस होते हैं, उस वजह से कभी कभी उसका ब्रीदिंग इम्पैक्ट हो जाता है तो उसको सांस नहीं ले पाता है। ये सब चीज़ों के अंदर ये शॉर्ट टर्म में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो कि हॉस्पिटल में ऑलरेडी आफ्टर डिलीवरी मैनेज हॉस्पिटल कर देते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की। अब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आ सकता है, जैसे अभी आपने कभी ये सुना होगा कि किसी बच्चे के हार्ट में होल रह गया, कभी ये सुना होगा कि उसको नियोनेटल जॉन्डिस हो गया, उसके बाद से उसको लीवर की शिकायतें बार बार हो रही है, या उसके अलावा ये भी होता है कि उसको जैसे बर्थ के टाइमिंग पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिला था और डिलीवरी टाइम में, और उस वजह से उसके ब्रेन के अंदर छोटे छोटे कैपिलरीज बर्स्ट हो गए जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट डिले हो गया, या उसके डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो गए, या फिर इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि बच्चों के अंदर जैसे हाथ पैर, यानी कि हम उसको बोलते हैं LBW चाइल्ड, यानी कि लो बर्थ वेट बेबीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि सिर्फ पेट बड़ा हो जाता है और हाथ पैर पतले रह जाते हैं। इसके अलावा उनका इंटेलेक्चुअल, अब मान लीजिए ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी हो गया, कॉर्पस कैलोजम अजेनेसिस हो गया, सेरेबेलर डिसीजेस हो गए, या कुछ बच्चों के अंदर हमने तो ये भी देखा है कि किसी किसी को सुनाई नहीं देता, किसी किसी को दिखाई नहीं देता, किसी किसी को निगलने में तकलीफ हो गई है, किसी किसी के अब अर्ली डेवलप। देखिए एक सिंपल लॉजिक है, प्री टर्म यानी कि पूरा टाइम होने के पहले ही डिलीवरी हो गई। अब साधा उदाहरण है कि अगर मान लीजिए एक पपीता लेते हैं या एक मैंगो लेते हैं, उसके टाइमिंग पे पहले अगर उसको आप पेड़ से उतार लेंगे तो उसका क्या स्टेजेस रहेंगे, सेम कंडीशन बेबीज़ के साथ भी होता है। सेम वाइज अगर वो ग्रोथ उसकी अरेस्ट हो जाएगी, किसी का ऑर्गन डेवलप नहीं होगा, किसी के वोकल कॉर्ड डेवलप नहीं होता। मेरे पास पेशेंट थे जिस पेशेंट के अंदर उसका जो ब्रीदिंग के लिए जो लैरिंग्स है वो डेवलप नहीं हुआ था। ये ऐसे चीज़ें बच्चों में हमने देखी है। अच्छा, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आगे जाके उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव जो होनी चाहिए वो नहीं होगी, और उसको वो डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसको अक्सर बर्थ डिफेक्ट बोला जाता है। इसलिए प्री टर्म एंड फुल टर्म ये क्या है, इसके लिए अगर अवेयर हम होते हैं तो हम इन चीज़ों को आने वाले समय में अवॉइड कर सकते हैं। हमें नहीं तो हम किसी और को
एजुकेट ज़रूर कर सकते हैं। हमारा आज का मोटिव ये है कि आप तक इन बातों को पहुँचाए कि एक्चुअल प्री मैच्योरिटी क्या है, प्री मैच्योरिटी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं या हो सकते हैं। अब ये बात करेंगे कि हम किन केसेस में ये देख सकते हैं। एक, मल्टीपल प्रेगनेंसीज यानी कि बार बार डिलीवरीज हो जाना। दूसरा, 6 महीने में के डिस्टेंस से, एक डिलीवरी के डिस्टेंस से दूसरी कंसीव हो जाना यानी कि दूसरी प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाना। तीसरी दिक्कत ये कि अगर किसी मदर के अंदर जेनेटिक डिसीजेस है। चौथा, जिस किसी मदर के अंदर मान लीजिए हाइपरटेंशन है, शुगर है या कोई ऐसे लॉन्ग टर्म बीमारी है या ऑटोइम्यून डिजीज है। साथ ही साथ जिस पेशेंट के अंदर अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये भी दिक्कतें हैं, उनमें भी ये पाया जा सकता है। और एक बात है, जैसे IVF करते हैं आजकल, कि उनमें भी ये देखा जाता है यानी कि प्रीटर्म डिलीवरी होती है। अब मान लीजिए किसी किसी केस में या ट्विन्स रह गए या ट्रिपलेट्स रह गए, तो यानी कि 3 बच्चे 2 बच्चे अगर एक साथ रह जाते हैं, कंसीव हो जाता है, तो उनके केस में भी ये देखा जाता है। अच्छा, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या फुल टर्म है, या मान लीजिए कि मदर के पेट में जो पानी है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, या वो फिर पानी जल्दी से कम हो जाए या लीक हो जाए, या जिसको बोलते ना एक टाका लेके आए हैं बिछवी का मुंह खुल गया था, लाइकवाइज ये भी सिचुएशन में ये होने के चांसेस होते हैं। सो ये सब एक, और अक्सर ये भी है कि जिन पेशेंट्स के अंदर मोटापा ज़्यादा है। दूसरी बात है कि हाँ, और एक पॉइंट ये था कि लेट प्रेगनेंसीज आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि नहीं नहीं बच्चे तो क्या, हमने इनका सुना था 45 में हो गया। देखिए, होना अलग बात है, अच्छा होना अलग बात है, या कंप्लीट टाइम करके होना अलग बात है। इसलिए हर चीज़ के लिए एक वक्त दिया गया है। अगर लेट प्रेगनेंसीज भी होती है तो उनके अंदर भी प्रीटर्म डिलीवरीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं। देखिए, अक्सर एक बात है, सिर्फ कंसीव होना ही परफेक्ट नहीं है। कंसीव होना जितना ज़रूरी, उतना फुल टर्म कंप्लीट होना ज़रूरी, मदर एंड चाइल्ड ये भी परफेक्ट होना ज़रूरी, तभी तो आज के डे का इम्पोर्टेंस है। और उसके अंदर मैंने पहले ही बोला था, प्रीटर्म बर्थ, प्रीमैच्योर बेबीज एंड देयर फैमिलीज का कंसर्न। इसका मतलब ये है कि हम तीनों पॉइंट को एक साथ रख रहे हैं, क्योंकि बच्चे को दिक्कत आएगी तो बट ऑब्वियसली फैमिली को आएगी, और फैमिली और बच्चे को आएगी तो बट ऑब्वियसली उनके परिवार के एनवायरनमेंट पे आएगी, बट ऑब्वियसली समाज पे आएगी, बट ऑब्वियसली कंट्री पे आएगी। सो आज के दिन का इम्पोर्टेंस को याद रखते हुए, इसके अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए, हमें इन चीज़ों का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए एक तो आपके पास एक ऐसे फिजिशियन की ज़रूरत है जो कि आपको पूरा समझ सके, जो आपको जानते हैं कौन से सिचुएशन में आपकी बॉडी क्या क्या सिम्टम प्रोड्यूस करती है। दूसरा, पेशेंट अक्सर प्रेगनेंसी में इनको पता है कि हायर डोसेज नहीं ले सकते, तो वहाँ पे वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तीसरा, होम्योपैथिक मेडिकेशन से ना मदर को ना बच्चे को कोई किसी तरीके का साइड इफ़ेक्ट होता है। चौथी बात, इससे जो उनको नौशिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट या वेरिकोज वेन या स्वेलिंग आ जाना, धड़धड़ हो जाना, तकलीफ रहना, इन सब चीज़ों के लिए उनको बेनिफिट मिलता है। बट ऑब्वियस है, ये भी हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ कंडीशंस में जैसे बेबी टर्न हो जाते हैं या ब्रिज प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, होम्योपैथिक मेडिकेशन लेने के बाद उनके अंदर उनकी पोजीशन भी चेंज होती है। साथ ही साथ जैसे 3rd-4th month में जो हम एंटीनेटल स्कैन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करके उस आने वाले फ्यूचर की तरफ ध्यान दिया जा सकता है। हियर, आज के प्री मैच्योरिटी डे के अवसर पर मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा, अगर हम समझदारी से और सूझबूझ से काम करें तो ये प्रीटर्म बेबीज एंड उसकी वजह से फैमिलीज, यह सब चीज़ों का हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको, अगर जैसे मैंने आपको ये बात बताई कि ये कॉम्प्लिकेशंस है, गॉड नहीं चाहे कि, भगवान ने चाहे कि ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर गलती से ऐसे किसी ने कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे हैं अपने जान पहचान में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में,
तो जैसे ब्रेन डैमेज हो गया, लंग्स, हार्ट में होल है, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बच्चा बात नहीं कर सक रहा, बच्चे को सुनाई नहीं देता, बच्चे को दिखाई नहीं देता, बच्चे का हाथ पैर पतले हो गए, बच्चों के पैरों में ताकत नहीं है, ये सब चीज़ों के लिए होम्योपैथी प्लेज अ वेरी बेस्ट रोल। इसके जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके ऊपर हमने वीडियो बनाए हैं, उसके लिंक्स मैंने वैसे भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसमें की जो बचे हुए हैं उसके ऊपर भी हमारी कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द आप तक पहुंचाया जाए। देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बट इन केस सम हाउ अगर फेस करे तो सोल्यूशन क्या, फॉर दैट वी आर हियर टू हेल्प। सो होम्योपैथी यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड सोल्यूशन। मैं ऑप्शन नहीं कहूँगा क्योंकि ऑप्शन के अंदर ट्रीटमेंट नहीं होता है, थेरेपीज होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, सो वी आर डेफिनेटली टेल यू दैट कि येस यू विल गेट अ गुड सोल्यूशन एट आवर प्लेस। सो अगर प्रीटर्म बेबीज या उनके डेवलपमेंटल इश्यूज या उनके कोई फिजिकल, फंक्शनल, मेंटल एनी इश्यूज आर देयर, इन केस ऑटिज्म भी है, ADHD भी है, बिकॉज इट्स ऑल पार्ट ऑफ द सेम सिनेरियो, तो आप डेफिनेटली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।